1,20,000 रुपये का 3D होम प्रोजेक्टर। आज के सीडो में इसी बारे में हम बात करने वाले हैं और जानेंगे कि इस प्रोजेक्टर में ऐसा क्या है कि इसकी प्राइस 1,00,000 रुपये से भी ज़्यादा का है। ये 3D प्रोजेक्टर है, DLP टेक्नोलॉजी पे बेस है और ये होम प्रोजेक्टर है, पर इसकी प्राइस 1,00,000 रुपये से भी ज़्यादा है। ऐसा इसके अंदर क्या चीज़ हमको देखने के लिए मिलती है? अगर आप एक प्रोजेक्टर खरीदने की सोच रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर आपका बजट 1,00,000 रुपये से ऊपर का है तो जनरली इतने ज़्यादा बजट का प्रोजेक्टर नॉर्मली बाय नहीं करते, पर इस प्रोजेक्ट की खासियत ही कुछ ऐसी है कि अगर आपको एक अच्छा प्रोजेक्टर चाहिए तो आप इसकी तरफ एक बार नज़र डाल सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्टर खरीदने में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है तो भी ये वीडियो देखिए, ताकि आपको जानने के लिए मिलेगा कि आखिर इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिससे इसकी प्राइस 1,00,000 रुपये से भी ज़्यादा की है। इस प्रोजेक्टर के अंदर हमको क्या क्या फीचर देखने के लिए मिलते हैं, इसकी लुमिनस पावर कैसी है, इसके अंदर जो ये लैंप लगा हुआ है वो कितनी अच्छी रेजोल्यूशन पर चलता है, इसके अंदर कौन कौन से पोर्ट हमको दिए गए हैं, कौन कौन से डिवाइस इसके अंदर सपोर्ट करते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम क्लियरली बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे यहाँ पे करना चाहता हूँ, जो भी इस वीडियो को यहाँ पे देख रहे हैं, आप पता नहीं क्यों कि इस वीडियो को सपोर्ट नहीं करते। हाल ही में जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड की है उनके ऊपर सिर्फ 50-60 व्यू आते हैं। मज़ा नहीं आता काम करने में। अगर 50-60 व्यू अगर आते हैं तो फिर अंदर से इच्छा नहीं होती कि क्या काम करना 50-60 व्यू के लिए। इससे ज़्यादा तो मेरी मेहनत हो जाती है, इससे ज़्यादा तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाता है एक वीडियो बनाने के लिए, और बदले में वहाँ 50-60 व्यू आ रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? इस बात को आप समझिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में। ये जो प्रोजेक्टर है ये थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हो रहा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ चीज़ के लिए, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ और ये होम प्रोजेक्टर है तो आप समझते होंगे कि ये हर हफ्ते यहाँ पे यूज़ होता है, और जब भी कोई मूवी रिलीज़ होती है या फिर कोई भी शो हमको देखना होता है तो फैमिली सहित। अब बात करते हैं कि कौन सी कंपनी के साथ हमारे पास आने वाला है। देखिए बेसिकली ये जो प्रोजेक्टर है ये किसी भी एक कंपनी का नहीं है, ये जो प्रोजेक्टर ये मैंने पर्सनली यहाँ पे कस्टमाइज़ किया है मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसको मैंने इंदौर सिटी से यहाँ पे कस्टमाइज़ करवाया है। जो भी MP से रिलेटेड होंगे उनको पता है इंदौर सिटी में इस टाइप के प्रोजेक्टर कस्टमाइज़ होते हैं। तो इसका जो ओवरऑल बजट था कस्टमाइज़ का वो 1,20,000 था, और इसके अंदर मैंने हर चीज़ मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाई है। इसके मदरबोर्ड, इसका पावर सप्लाई, इसका लुमियंस लैम्प, ये सब अलग अलग कंपनी का है और उनके टोटल जो कॉस्ट है वो 1,20,000 है। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ इस प्रोजेक्टर के बारे में, ये 3D प्रोजेक्टर है। इसके साथ एक वो गॉगल्स आते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक मिनट। इस प्रोजेक्टर के साथ मुझे यहाँ पे ये 3D गॉगल्स से दिए गए हैं, और इस गॉगल्स को पहन के ही मैं 3D जो टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ उस टेक्नोलॉजी को। और ये जो गॉगल्स है इसकी ही प्राइस सिर्फ 1,000 से 1,500 रुपये है लोकल मार्केट में। ये सैमसंग का ओरिजिनल गॉगल्स है, 3D गॉगल्स है, तो इसको हम साइड में रखते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके अंदर जो मदरबोर्ड यूज़ हुआ है इस प्रोजेक्टर के अंदर पर्टिकुलर, वो सैमसंग कंपनी का है। इसके अंदर जो पावर सप्लाई यूज़ की गई है वो सोनी ब्रांड की है। साथ साथ इसके अंदर जो लैंप यूज़ किया गया है, क्योंकि एक प्रोजेक्टर का सबसे मेन पार्ट होता है उसका लैंप, जितना अच्छा लैंप होगा उतनी क्वालिटी और उतनी क्लियरिटी के साथ उतनी ही अच्छी रेजोल्यूशन के साथ आपको पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसके अंदर जो लैंप यूज़ किया गया वो सोनी कंपनी का है, और लैंप की जो लुमियंस पावर है वो 7,000 है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी है। जो नॉर्मली प्रोजेक्टर के बारे में नहीं जानते उनको मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि 7,000 बहुत ही अच्छी रेजोल्यूशन या फिर कह लीजिए लुमियंस पावर होती है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो DLP टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जो कि हाल ही में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है प्रोजेक्टर के मामले में। और क्योंकि ये 3D प्रोजेक्टर है तो इसके अंदर दो लेयर का हमको यहाँ पे सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। और इसके अगर लैंप की मैं बात करूँ तो उसकी कॉस्ट मुझे अराउंड 77,000 के समथिंग मिली थी, क्योंकि इसके अंदर जो लैंप यूज़ किया गया है उस वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और सोनी कंपनी का है। और कंपनी की अगर अकॉर्डिंग बात करें तो सोनी एक ऐसी कंपनी है जो प्रोजेक्टर के मामले में टॉप एंड में मानी जाती है। अब मैं पर्टिकुलरली किसी कंपनी के साथ आता नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया है, पर यहाँ पे हमको सोनी की एक छोटी सी ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, साथ साथ तो कुछ फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे कि HDMI सपोर्ट करता है, पेन ड्राइव सपोर्ट करता है। तो अब हम बात करते हैं इसके फीचर की। तो ये क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करता है, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को सपोर्ट करेगा, आपके लैपटॉप सिस्टम को सपोर्ट करेगा, अगर आप DVD के थ्रू पिक्चर क्वालिटी देखना चाहते हैं तो ये इसको भी सपोर्ट करेगा, आपके डेटा केबल के थ्रू आप कोई भी चीज़ देखना चाहते हैं तो इसको भी सपोर्ट करेगा, बट ये मेनली HDMI के थ्रू यहाँ पर सपोर्ट करता है, क्योंकि HDMI ही हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है एक ओरिजिनल वे में बात की जाए तो।
अगर बैक साइड की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको इसका एक रिमोट कंट्रोल का सेंसर देखने के लिए मिलता है, कुछ ऑडियो और वीडियो पिन देखने के लिए मिलती है, एक यहाँ पे केबल देखने के लिए मिलती है जिससे आप पावर केबल के तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसके अंदर हमको एक केबल दी गई है, अगर ये कभी ख़राब हो जाती है तो आप इसको यहाँ पे कंप्यूटर की जो केबल होती है सीपीयू की केबल उसको कनेक्ट करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेजुलेशन कंट्रोल करने का या फिर फोकस कंट्रोल करने का एक यहाँ पे आपको ये मैकेनिज्म दिया गया है जिससे आप इसको इजीली यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। दो HDMI के पोर्ट दिए गए हैं जो कि हाई रेजोल्यूशन को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। एक यहाँ पे हमको 8GB इन की हमको एक केबल देखने के लिए मिलती है जो कि कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट होती है। दो USB के पोर्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसके अंदर जो मेनली सारे जो फीचर है, जितने भी डिवाइस कंट्रोल फीचर है, वो बेसिकली सारे इसके अंदर कवर होते हैं। अगर इसके नीचे के साइड की हम बात करें तो ये सोनी की ब्रांडिंग के साथ आता है। और यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जो कि इसको बहुत ही अच्छी क्वालिटी में एनहांस करती है, जो कि DLP टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये 5-स्टार कंटेंट के साथ हमारे पास आता है। बेसिकली इसका कुछ काम नहीं यहाँ पे, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। अगर हम इसकी फ्रंट साइज की बात करें तो इसका जो लेंस है वो काफ़ी बड़ा है। जनरली अगर आप देखेंगे होम प्रोजेक्टर तो उनका लेंस इतना बड़ा नहीं होता, पर इसके अंदर जो 3D लेंस है वो इतना ही बड़ा यहाँ पे दिया गया है। इसके अंदर हमको दो स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं लेफ्ट राइट में, साथ में एक फ़ैन आपको देखने के लिए मिलता है जहाँ से आप एयर कंट्रोल को मैनेज कर सकते हैं। ऊपर के साइड कुछ बटन आपको देखने के लिए मिलते हैं, इससे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, कुछ मोड चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कहने का मतलब, अगर मैं सिंपल वे में बात करूं, तो इस प्रोजेक्टर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बस एक छोटी सी कमी इसके अंदर है कि ये एंड्रॉयड सपोर्टेबल नहीं है। इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड नहीं है, ये खुद सैमसंग वालों का ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें दिया गया है। तो कहने का मतलब, मैंने थोड़ा टाइम हो गया मुझे, करीबन दो साल हो चुके इसको बाय किए, तो उस टाइम पे एंड्रॉयड इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था प्रोजेक्टर के कैटेगरी में, तो वो टेक्नोलॉजी मुझे नहीं मिली। पर इसके अंदर DLP टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जो कि पिक्चर क्वालिटी को काफ़ी अच्छी तरीके से एनहांस करता है। अब इस प्रोजेक्टर में एक पिक्चर हम यहाँ पे प्ले करेंगे और उसका जो आउटपुट है वो इस वॉल में हमको देखने वाला, वाइट कलर की वॉल। अगर आपके पास वाइट कलर की वॉल है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो एक पर्दे का आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे वाइट कलर की वॉल है तो उसके ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं पड़ता, तो इस वजह से इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो हमको अच्छी दिखने वाली है इसके ऊपर। तो बिना किसी देरी के आप देखते हैं इसका आउटपुट। स्पेंसर की बॉडी तो देखो।